गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई हैव अ वेरी वेरी स्पेशल अनाउंसमेंट फॉर यू। इस पार्ट को बिल्कुल भी मत स्किप करना, इट्स गोना बेनिफिट यू ओनली। आई थिंक हर एक बंदे को पता होगा कि मिस्टर बीस्ट कौन है, एंड इफ यू डोंट नो जस्ट गूगल हिम, यू विल नो ही इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस यूट्यूबर्स। एंड मिस्टर बीस्ट एंड मार्क रॉबर्ट, ही इज अनदर फेलो कॉन्टेंट क्रिएटर, एंड उन दोनों ने मिलकर अभी एक बहुत ज्यादा अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया है कॉल्ड द टीम सीज। आई थिंक बहुत सारे लोगों को उस बारे में ही पता होगा। तो इस वीडियो के लिए आई पार्टनर्ड विद एपिडेमिक साउंड, वन ऑफ द बेस्ट रॉयल्टी फ्री म्यूजिक प्रोवाइडर्स। मैं सिर्फ दो ही जगह से अपना म्यूजिक यूज करता हूँ अपने चैनल पे, एंड एपिडेमिक साउंड इज अ ह्यूज पार्ट ऑफ दैट। सो आई पार्टनर्ड विद एपिडेमिक साउंड टू सपोर्ट दिस अमेजिंग इनिशिएटिव। इस इनिशिएटिव के बारे में मैं आपको बहुत जल्दी से बता देता हूँ, बिकॉज आई नो यू गाइस वांट टू वॉच द वीडियो। इट्स बेसिकली अबाउट क्लीनिंग द ओशन। अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो आप टीम सीज की वेबसाइट पे जा सकते हो। सो टू सपोर्ट दिस इनिशिएटिव मैंने एक मिनट की सिनेमैटिक बी-रोल सीक्वेंस बनाई है फॉर द ओशन यूजिंग एपिडेमिक साउंड म्यूजिक। I will play it in just a second, but before that I have to tell you about Epidemic Sound. Epidemic Sound सबसे best platforms में से एक है royalty free music के लिए। I think अभी तक आपको पता होगा, अगर आप एक content creator बनना चाहते हो, if you want to use music on YouTube, Instagram, TikTok, तो आप कोई भी music ऐसे ही नहीं use कर सकते। You need royalty free music, and Epidemic Sound has one of the biggest libraries in the world of royalty free music. And guys, I have a very very special deal just for you. अगर आपको Epidemic Sound के लिए अभी sign up करना है तो you will get 90 day free trial by my code ishangoyal90. yes, you'll get a 3-month trial. usme aap kitna bhi music download kar sakte ho, and jitna bhi music aap is 90 day trial ke beech mein download karoge wo aap lifetime ke liye use kar sakte ho apne youtube, instagram, kisi bhi social media channel pe. and is 3-month free trial ke alawa agar aap 1st january tak epidemic sound ke liye sign up karoge, for every single sign up I will donate $5 to Team C's from my pocket. So aapke liye ye win-win situation hai. First of all, you will get 90 days free trial where you can download as much music as you want, and you will support a really really amazing initiative. So guys, agar aap bahut time se soch rahe the apna YouTube career start karne ke liye, now is the time. Epidemic Sound ki maine link description mein dal di hai bilkul top pe. Go sign up for Epidemic Sound, and now I will play this 1-minute cinematic B-roll sequence that I made to support Epidemic Sound and Team C's. I hope you really enjoyed this 1-minute cinematic B-roll sequence that I made. Sara music maine Epidemic Sound se use kiya hai aaj ki video banane mein. So guys, again, go sign up for Epidemic Sound. Link maine description mein dal diya hai. And now let's move on to the video. Unfortunately, aaj mummy, papa wagera sab ja rahe hain wapas Delhi. To abhi abhi humne bilkul hotel se check out kiya hai. Pehle to mera aur Veronica ka hi plan tha Delhi jaane ka. But वेरोनिका को यहाँ दुबई से वीज़ा नहीं मिला, क्योंकि अभी आप एज अ टूरिस्ट इंडिया नहीं जा सकते, आपको एंट्री वीज़ा लगवाना पड़ता है। एंड मुझे लगा था यहाँ यूएई से लग जाएगा, इसलिए हमने पोलैंड से नहीं लगवाया। बट यहाँ पर थोड़ी बहुत कुछ दिक्कतें थी, उसकी वजह से वीज़ा नहीं मिला। तो मैं और वेरोनिका 3 दिन और रुकेंगे दुबई में, देन मैं दिल्ली जा रहा हूँ, बट वेरोनिका जाएगी वापस पोलैंड, क्योंकि उसे काफ़ी ज़्यादा काम है। इसलिए हम इंडिया की ट्रिप प्लान कर रहे हैं जनवरी में। आई नो बहुत ज़्यादा डिले होता जा रहा है इंडिया की ट्रिप के लिए, बट आई प्रॉमिस यू एक बहुत ही अच्छी सीरीज़ मैं बनाऊंगा पूरे इंडिया की। पहले तो प्लान गोल्ड सुख जाने का था, बट मैंने अभी चेक किया कि फ्राइडे को शाम को 4 बजे खुलता है, एंड अभी 12 बजे हैं, तो हम आ गए ला मैर। 11 बार मैं दुबई आ चुका हूँ, एंड मैं अभी तक ला मैर नहीं गया। हर बार कुछ ना कुछ हो जाता है कि मैं ला मैर नहीं आ पाता, तो आज फाइनली वी केम। एंड अभी पार्किंग गाड़ी लगाता हूँ, एंड आपको पूरा ला मैर दिखाता हूँ। सबसे सुंदर बीच है दुबई का, एंड ऑल्सो इज द मोस्ट फोटोजेनिक बीच। आप यहाँ पर बहुत अच्छी पिक्चर्स ले सकते हो। तो अभी खुद भी घूमता हूँ ला मैर, एंड आप लोगों को भी दिखाता हूँ।
Finally we came to La Mer. Yes, because La Mer parking सबसे busy parking है. सबसे busy, true. तो आज भी हमें parking नहीं मिली, वो तो हमने valet parking करी है. 110 दिरहम दिए हैं parking के, क्योंकि इतनी बार आके मुझे आज वापस नहीं जाना था. ये लामेर सबसे फंकी टाइप बीच है, सारे यंगस्टर्स वगैरह यहीं आते हैं. सामने पूरा बीच है ना, उसके अलावा यहाँ खाने पीने की चीज़ें, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स. तो मैं आपको ये पूरा एरिया दिखाता हूँ लामेर का. यहाँ पर इवन कोई वाटर पार्क टाइप स्लाइड भी है एंड पूरे चारों तरफ बीच है. सो यू कैन सी यहाँ पर है लगुना वाटर पार्क, रॉक्सी सिनेमा. बहुत ही अच्छी तरीके से इन्होंने डेकोरेट किया हुआ है ये बीच. यहाँ से पूरी दुबई की स्काईलाइन दिखती है. इतनी गर्मी है तो बाहर तो इतनी धूप लग रही है, बट लोग सी में बढ़िया एंजॉय कर रहे हैं. शाम को यहाँ पे प्रॉपर पार्टी होती है. इन्होंने ये कॉन्सर्ट टाइप बनाया हुआ है, यहाँ पे कोई ना कोई परफॉर्म करता है. यहाँ पर पार्टी का पूरा स्केड्यूल लिखा हुआ है, जो सनसेट पार्टीज होती हैं यहाँ पे. Let's go. You look so blonde in the sun. Because I am blonde. धूप इतनी ज़्यादा तेज़ है कि बिल्कुल झेली भी नहीं जा रही. तो आई थिंक दिन में sunrise, it's better. Yeah, or sunset. Yes, or sunset. तो दिन में आना अच्छा आइडिया नहीं था, बट एटलीस्ट आई सॉ ला मेर. बहुत ही अच्छा बीच है. आई थिंक सबसे अच्छा बीच है अगर आपको स्विम करने आना है. तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा दूँ. लोग प्रॉपर सनबाथ ले रहे हैं. आई डोंट नो कि लोग धूप में कैसे लेट जाते हैं एक दो घंटे के लिए. हम इंडियंस के लिए तो पर्सनली मेरे लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, बहुत ज़्यादा धूप लगती है. तो हमने डिसाइड किया है कुछ लंच वगैरह करने के लिए, क्योंकि ब्रेकफास्ट कुछ खास हमने किया नहीं था. जिवोरा के रूम्स तो अच्छे थे अगर मैं आपको अपनी ऑनेस्ट ओपिनियन बताऊं, बट ब्रेकफास्ट बिल्कुल घटिया था जिसे कहते हैं. ये मैं बिल्कुल आपको अपनी ऑनेस्ट ओपिनियन बता रहा हूँ. तो मैं आपको 101% रिकमेंड करूँगा ला मेर आना. बस दिन में मत आना, बहुत ज़्यादा धूप होती है एंड फोटोज़ भी आई थिंक सनसेट पे ज़्यादा अच्छी आती हैं. चीयर्स. गर्मी इतनी ज़्यादा है कि हमने फ्रोजन योगर्ट लिया है. व्हिच वन डिड यू गेट? स्ट्रॉबेरी. एंड मैंने लिया, दिस इज मीडियम साइज, इट्स प्रीटी बिग. या दुबई में पोर्शन साइज काफ़ी बड़े हैं. इट्स एक्सपेंसिव बट पोर्शन फिर भी आपको काफ़ी अच्छा मिलता है. So we'll enjoy this now. खाना खाने के बाद हम थोड़ी देर आए हैं गोल्ड सूख. फाइनली खुल गया है क्योंकि अब शाम के 4:30 बजे हैं. तो आपको गोल्ड सूख भी दिखा देता हूँ. ये पूरा जो दियरा रीजन है, सारा इंडियन पाकिस्तानी एरिया है. ये यहाँ से एंट्री है गोल्ड सूख की. टूरिस्ट के लिए ऑब्वियसली वैट फ्री है. यहाँ पर सिर्फ गोल्ड नहीं बट आपको स्पाइसेस, सारे जो यहाँ के परफ्यूम होते हैं वो सारी चीज़ें भी हैं. आज बहुत ही स्पेशल व्लॉग है. मैं इतनी बार दुबई आ चुका हूँ. वेरोनिका, हाउ मेनी टाइम्स वी हैव बीन टू दुबई टुगेदर? आई डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स वी हैव बीन टू दुबई, बट वी आर नॉट वेरी लकी इफ इट्स अबाउट अबू धाबी. या एवरी सिंगल टाइम वी वांटेड टू विजिट बट इट वाजंट पॉसिबल बिकॉज़ ऑफ कोरोना. सो या पिछले एक साल से जितनी बार भी हम दुबई आए हैं, अबू धाबी जाना पॉसिबल नहीं था क्योंकि अबू धाबी में स्ट्रिक्टनेस काफ़ी ज़्यादा थी. आप एज अ टूरिस्ट विजिट ही कर सकते थे विदाउट क्वारंटीन. बट अब अगर आपके पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है तो आप अबू धाबी विदाउट क्वारंटीन जा सकते हो. सो टुडे वी फाइनली डिसाइडेड टू गो टू अबू धाबी. मैं एक बार अबू धाबी गया हूँ जब मैं सबसे पहली बार दुबई आया था 2015 में. वो भी मैंने कुछ देखा नहीं था अबू धाबी में, सिर्फ हमें फरारी वर्ल्ड जाना था इसलिए मेरा जाना हुआ था अबू धाबी. अबू धाबी में तीन मेन चीज़ें देखने वाली, ऑफकोर्स दी ग्रैंड जायद मॉस्क, उसके अलावा लूवर अबू धाबी, जो पेरिस में लूवर म्यूजियम है यहाँ अबू धाबी में भी है. एंड थर्ड इज़ येस आइलैंड, वो भी हम जाएंगे. तो आज के व्लॉग में आपको पूरा अबू धाबी दिखाएंगे. सो गाइज विदाउट फर्दर अडू लेट्स गो टू अबू धाबी एंड लेट्स गेट दिस व्लॉग स्टार्टेड. एंड गाइज ऑफकोर्स इफ यू आर गोइंग टू द मॉस्क you have to dress up accordingly. You have to be respectful. You have to be very very respectful. To Veronica ne pehna hai beautiful abaya. Yeah, I got a dress yesterday especially for this occasion. So we'll show you the grand mosque and piche khadi hai hamari beautiful Lamborghini.
इट्स नो लेस देन अ लैम्बोर्गिनी. टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइस, सुपर कार चलाने से ज्यादा मजा मुझे नॉर्मल कार चलाने में आता है. उनमें बहुत ज्यादा टेंशन एंड कॉम्प्लिकेशन होती है. एंड बाय द वे, इन वीआईपी कार रेंटल्स यू कैन आल्सो गेट कार्स लाइक दिस. या नाउ वेरोनिका, वी आर ऑलरेडी गेटिंग लेट, लेट्स गो. कम ऑन. तो सबसे पहले हमने डिसाइड किया है द ग्रैंड मॉस्क जाने का, शेख जायद ग्रैंड मॉस्क. यहाँ से अराउंड एक घंटा दिखा रहा है मैप्स में. 100 किलोमीटर है अबू धाबी दुबई से. एंड एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये गाड़ी चाहे दिखने में इतनी लग्जरी नहीं है, बट इसमें आई थिंक किसी भी लग्जरी गाड़ी जो मैंने चलाई है उनसे ज़्यादा फीचर्स हैं. इट इवन हैज़ ए फुल सनरूफ एंड मूनरूफ. मैं आपको दिखाता हूँ. रात को आई थिंक बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा पूरी ओपन करके चलाने में. एंड मैं पर्सनली शेख जायद मॉस्क में नहीं गया हूँ, बट आई हैव हर्ड इट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल मॉस्क इन द वर्ल्ड. तो जाके देखते हैं कि क्या एक्सपीरियंस रहता है. एंड उसके बाद हम थोड़ा बहुत और अबू धाबी एक्सप्लोर करेंगे, जैसे येस आइलैंड. एंड वी ऑल्सो वॉन्ट टू गो टू लूव्र, बट वहीं जाके पता लगेगा हमारे पास टाइम कितना है, क्योंकि हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं. दिक्कत ये हुई कि जैसे ही हम निकलने वाले थे गाड़ी की बैटरी डेड हो गई, तो हमें पहले एक बार वीआईपी जाना पड़ा, बैटरी चेंज उन्होंने करी है. एंड अब हम फाइनली जा रहे हैं. तो यहाँ से अराउंड एक मैक्सिमम एक घंटा 20 मिनट लगने चाहिए, बट बहुत ही अच्छी ड्राइव है, बिल्कुल स्मूथ ड्राइव है अबू धाबी तक. तो यहाँ शेख जायद ग्रैंड मॉस्क तक आने में एक घंटा लगा. एंड बिल्कुल मेरे सामने है, इतना ब्यूटीफुल लग रहा है. आई थिंक ये अब तक का सबसे ब्यूटीफुल मॉस्क है जो मैंने देखा है. इससे पहले जो मैंने सबसे अच्छा मॉस्क देखा था वो था सुल्तान अहमद मॉस्क इस्तांबुल में, बट ये वाला उससे भी ब्यूटीफुल है. अंदर जाके देखते हैं क्या एक्सपीरियंस रहता है. Do you know which will be the first mosque I will see from inside? Yeah? Oh, we couldn't go to the Sultan Ahmed in Turkey because there was something going on. Yeah. As you can see, यहाँ से साइड से दिख रहा है, बट एंट्री है यहाँ से जाके, नीचे से जाके अंदर जाना है. दिस इज द पाथ ऑफ टॉलरेंस. यहाँ पर सारी चीजें इन्होंने बताई हुई है कि कैसे मॉस्क का आइडिया आया, कैसे उन्होंने बिल्ड किया, सब कुछ इस पाथ ऑफ टॉलरेंस पे इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है. This is the northern foyer of the mosque. Seriously, it's a beautiful mosque. मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा. Ranika, what do you think about it? Speechless? I'm speechless. Now we are going to the main area of the mosque. Just look at this grand entrance. Wow. I think video में आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, but ये इतना बड़ा mosque है. And everything looks so so beautiful. The world ka largest hand woven carpet hai.
गाइस बिल्कुल अभी अभी हम मॉस्क विजिट करके वापस आए हैं एंड अब हम जा रहे हैं यास आइलैंड। यहाँ पर अबू धाबी में इन्होंने एक बहुत छोटा सा आइलैंड बनाया हुआ है यास आइलैंड, बहुत सारी चीज़ें वहाँ करने के लिए, काफ़ी सुना है मैंने उसके बारे में, तो अभी वहाँ चलते हैं। बट मॉस्क का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा था, मतलब आई रियली हैव टू से कि इतना ब्यूटीफुल मॉस्क मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। इट वॉजन्ट जस्ट इन द वीडियोज़, इन रियलिटी आई थिंक उससे भी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो अगर आप दुबई या फिर अबू धाबी आओ तो मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा आना। एंड उन्होंने हमें इतना अच्छा ट्रीटमेंट दिया, वी गॉट VIP ट्रीटमेंट, वी हैड आवर पर्सनल टूर गाइड एंड उन्होंने मुझे इतने सारे अमेजिंग फैक्ट्स बताए मॉस्क के बारे में। बट द मोस्ट इंटरेस्टिंग वन वॉज कि ये मॉस्क ताजमहल से इंस्पायर्ड है, तभी ये बहुत सिमिलर लगता है। इन्होंने भी सेम वाइट मार्बल यूज़ किया है, सिमिलर टू ताजमहल। ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी मेरे लिए, बट स्टिल इवन इफ़ यू वुडन गेट दैट ट्रीटमेंट, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, सब कुछ बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। सो डेफिनेटली कम टू द मॉस्क। एंड अब मैं आपको यास आइलैंड दिखाता हूँ चल के। लूव तो हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हमें वापस दुबई भी जाना है। एंड यास आइलैंड पे ही फरारी वर्ल्ड है, अगर आपको रोलर कोस्टर्स का शौक है वो सामने पूरा फरारी वर्ल्ड है। मैं ऑलरेडी गया हुआ हूँ, जब सबसे पहली बार दुबई आया था, यहाँ पर है वर्ल्ड का फास्टेस्ट रोलर कोस्टर, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। तो गाइज एक बहुत बड़ी दिक्कत हो गई, मुझे लगा था कि यास आइलैंड पे बीच है बट वो सादियात आइलैंड था। यास आइलैंड पे तो सारे अम्यूजमेंट पार्क है जैसे वार्नर ब्रोस, फरारी वर्ल्ड, यास वाटर वर्ल्ड, एंड हमें इनमें नहीं जाना था। एंड अब हमारे पास इनफ टाइम नहीं है बीच पे जाने के लिए क्योंकि सनसेट ऑलरेडी हो गया है, मेरा सनसेट पे जाने का मन था, तो अब कोई फ़ायदा नहीं है। तो मे बी हम किसी और दिन फिर से अबू धाबी आएंगे बाकी दो चीज़ें कवर करने, लूव एंड जो बीच मुझे जाना था वहाँ से बहुत ही अच्छी स्काईलाइन दिखती है अबू धाबी की। अभी हम जा रहे हैं वापस दुबई क्योंकि भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही है एंड इंडियन खाने का मन है, तो आपको आज बढ़िया इंडियन खाना दिखाता हूँ दुबई में। अराउंड 50 मिनट लगेंगे यहाँ से वापस दुबई पहुँचने में एंड बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग पे पहुँचेंगे हम डिनर की। यहाँ पर सारे इंडियन पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है एंड हमें जाना है इस वाले में, ये पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है। By the way, this place is very affordable. Yeah. I think only locals come here. Yeah. तो ये बिल्कुल वो प्लेस है जहाँ लोकल खाने आते हैं। खाना आ गया, ये है पेशावरी मटन, ये है लाहौरी चिकन हांडी, पेशावरी मटन, साथ में ये पाकिस्तानी स्टाइल नान है। तो देखने में तो बहुत बढ़िया लग रहा है, खाना बनाने का टेस्ट है, tell me how it is. बहुत ही टेस्टी खाना है। अब हम ये फिनिश करेंगे, आपको भी अगर एकदम अफोर्डेबल इंडियन खाना खाना है, इंडियन पाकिस्तानी खाना, तो इस रेस्टोरेंट पे ज़रूर आना। Yeah.